नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसान परिवारों की औसत मासिक आय में बिहार इतने नंबर पर। बिहार में इस दिन पेश होगा बजट। जल्द सुलझेगा विश्वविद्यालयों के पेंशनरों का मुद्दा। सीएम नीतीश ने देश यात्रा पर दिया अपडेट। रांची में माही साक्षी को देख फैंस हुए भावुक। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। किसान परिवारों की औसत मासिक आय में बिहार इतने नंबर पर। बिहार में किसान परिवारों की औसत मासिक आय में बिहार पूरे देश में 28वें नंबर पर आता है, जहां प्रत्येक किसान परिवार हर महीने औसतन 7,542 रुपए कमाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के किसानों को सरकार की ओर से भी कई तरह की मदद मुहैया कराए जाते हैं। अगर किसानों के 1% भी फसल नुकसान होते हैं तो प्रति हेक्टेयर 7,500 और 20% से अधिक नुकसान पर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के लिए राशि भुगतान किए जाते हैं। वहीं अगर किसान खेती करने के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं तो सरकार के द्वारा उनका मूल कर्ज तो माफ नहीं किया जाता, लेकिन सूद 90% तक जरूर माफ कर दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई की मौत, डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। बीते दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के भाई निर्मल चौबे की भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन के विरुद्ध परिजनों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। दरअसल परिजनों के द्वारा डॉक्टरों पर आरोप लगाया गया है कि डॉक्टर अस्पताल से गायब थे, जिस वजह से समय पर उनका इलाज नहीं किया जा सका और उनकी मौत हो गई, इसलिए डॉक्टरों के खिलाफ इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं करीब 2 घंटे हंगामे होने के बाद मौके पर पहुंची पटना सिटी SP आनंद कुमार के अलावा 6 थाने की पुलिस के द्वारा शांत कराया गया। फिलहाल हंगामा को देखते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम दास के द्वारा अस्पताल के 2 डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। भारतीय फुटबॉल टीम अंडर-17 के कोचिंग कैंप में बिहार फुटबॉल की 5 लड़कियों का हुआ चयन। बिहार फुटबॉल संघ के सचिव सैयद इम्तियाज हुसैन के द्वारा बताया गया है कि भारतीय फुटबॉल टीम अंडर-17 के कोचिंग कैंप में बिहार फुटबॉल की 5 लड़कियों का चयन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस खेल का आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा चेन्नई में आयोजित कराया गया था। वहीं फिर बिहार फुटबॉल से जिन 5 लड़कियों का चयन किया गया है उनमें मनीषा कुमारी, प्रिया कुमारी यादव, शिवू कुमारी, रूबी कुमारी और निकी कुमारी का नाम शामिल है। बताते चले कि इन लड़कियों का चयन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में बिहार फुटबॉल एसोसिएशन और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित ट्रस्ट द्वारा किया गया है। जल्द सुलझेगा विश्वविद्यालयों के पेंशनरों का मुद्दा। जल्द ही राज्य भर के विश्वविद्यालयों के पेंशनरों का मुद्दा खत्म होने वाला है। बता दें कि इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा नया तरीका ढूंढा जा रहा है। मालूम हो कि इसके लिए विभाग के द्वारा 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो भुगतान और ससमय लाभ मिलने के लिए प्रारूप तैयार करेगी। कमेटी के द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट को शिक्षा विभाग को सौंपा जाएगा, जिसके बाद विभाग यह रिपोर्ट हाईकोर्ट को उपलब्ध करवाएगी। इसकी अधिसूचना सरकार के संयुक्त सचिव संजय कुमार के द्वारा जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि राज्य सरकार और कृष्णकांत सिन्हा बनाम राज्य सरकार के केस में हाईकोर्ट द्वारा 8 अक्टूबर 2018 को जारी किए गए आदेश का पालन नहीं किए जाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर सेवांत लाभ व पेंशन के ससमय भुगतान को लेकर यह व्यवस्था की जा रही है। सीएम नीतीश ने देश यात्रा पर दिया अपडेट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है और इसके लिए आने वाले दिनों में देश यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। वहीं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बीते दिन पटना के तारामंडल के आधुनिकीकरण कार्य का जायजा लेने के बाद मीडिया के द्वारा इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इस बारे में हर एक पार्टी से बात कर चुके हैं। फिलहाल सभी पार्टियां अपना अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। जब उनका कार्यक्रम खत्म होता है तो एक बार सभी दल मिलकर काम करेंगे या नहीं यह बैठकर तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि सभी दल बैठकर चर्चा करें। बिहार में इस दिन पेश होगा बजट। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होने वाला है, जो कि 5 अप्रैल तक चलेगा। बता दें कि बजट सत्र के शुरुआती दिन यानी कि 27 फरवरी को राज्यपाल के द्वारा संयुक्त रूप से विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को संबोधित किया जाएगा और साथ ही राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया जाएगा। वहीं 28 फरवरी को वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा दूसरे हाफ में बिहार का बजट सदन में पेश किया जाएगा और बाद में बजट पर दोनों सदनों में चर्चा की जाएगी और फिर सरकार के द्वारा उसे पास किया जाएगा। मालूम हो कि बजट को लेकर बिहार विधानसभा और विधान परिषद में तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विकास का एजेंडा पटरी से उतर चुका है, ऐसे में न्याय के साथ विकास की बात बेईमानी हो चुकी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने व उप मुख्यमंत्री पद पाने की कवायद में प्रशासनिक अराजकता चरम पर है। 17 वर्षों से गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाले मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की खस्ता हाली से आंखें मूंदे हुए हैं। प्रशासन पर मुख्यमंत्री की कोई पकड़ नहीं रह गई है। खेमे में बटे
प्रशासनिक अमले की निष्ठा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दो पार्टी में बटी हुई है। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा खो चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपना दल तो संभल नहीं रहा है और बिहार की समस्या के समाधान का ढोंग करते नजर आ रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, लोकसभा चुनाव होने पर इसकी बनेगी सरकार। देश में मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए सभी विपक्ष की तमाम पार्टियां लगी हुई है। ऐसे में इंडिया टुडे के द्वारा एक सर्वे किया गया है जिसमें यह पाया गया है कि अगर आज लोकसभा चुनाव कराया जाता है तो एक बार फिर मोदी सरकार केंद्र में अपनी वापसी करने में कामयाब होने जा रहा है। हालांकि इस बार 2019 की तुलना में सीटें थोड़ी कम जरूर आएंगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस सर्वे में कई सवाल पूछे गए जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया कि किसकी सरकार बनेगी। सर्वे के अनुसार आज चुनाव में एनडीए को 298 सीटें मिल सकती है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर थोड़ा सुधार होगा और यूपीए यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या सप्रंग 153 सीटें मिलेंगी। वहीं अन्य को 92 सीटें मिलेंगी। 3 दिवसीय इंटरनेशनल बौद्ध महोत्सव में कैलाश खेर ने बांधा समा। बीते दिन से बिहार के बोधगया में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव की शुरुआत हो गई है। ऐसे में इस महोत्सव में एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई जिसमें प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर के द्वारा भी अपनी प्रस्तुति दी गई है। उन्होंने अपनी गायकी से पूरे महोत्सव में समा बांध दिया। लोग उनकी गानों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और भरपूर आनंद लिया। जानकारी के लिए बता दें कि इस महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बुलाया गया था। मालूम हो कि इस महोत्सव का आयोजन पूरे 3 साल बाद किया गया है जो कि 29 जनवरी तक चलेगा। बिहार में 2 दिन बीजेपी का 2024 चुनाव पर मंथन। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की ओर से मंडल और बूथ स्तर से संगठन को मजबूत बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि आज से बिहार के दरभंगा के लखीसराय में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की जा रही है। मालूम हो कि यह बैठक साल में 4 बार आयोजित की जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि इस बैठक में पार्टी की ओर से राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए बीते दिन शुक्रवार को बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावरे और सह प्रभारी हरीश द्विवेदी पटना पहुंचे थे। इनके अलावा इस बैठक में कई और भी लोग शामिल होंगे और 2024 चुनाव पर मंथन करने में अपनी भागीदारी देंगे। उपेंद्र कुशवाहा को मिला जेडीयू के प्रवक्ता रहे अजय आलोक का साथ। इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बयानी लड़ाई चल रही है। ऐसे में जेडीयू के प्रवक्ता रहे अजय आलोक के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन कर दिया गया है। दरअसल अजय आलोक ने उपेंद्र कुशवाहा से भेंट की है जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई कयास लगाए जाने लगे हैं। वहीं मुलाकात के बाद अजय आलोक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश जी कीमती भ्रम के शिकार हो गए हैं इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी में रहते हुए जो आवाज उठाई है वह अच्छी परंपरा है। जब भी नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत पड़ती है उन्हें पार्टी में बुला लिया जाता है। उन्होंने कहा कि कुशवाहा में अभी भी रीढ़ की हड्डी बची हुई है और बाकी पार्टी के अंदर किसी भी अन्य नेता के पास रीढ़ की हड्डी नहीं बची है। शराबबंदी पर मांझी ने फिर साधा निशाना। एक बार फिर बिहार में शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा अपने ठेठ अंदाज में खुले मंच पर सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करके बिहार में एक बार फिर से शराब चालू करवा दीजिए। उन्होंने कहा कि बिहार में देश विदेश से पर्यटक आते हैं लेकिन वे यहां रुकते नहीं है। यहां कुछ घंटे समय बिताने के बाद वे बनारस या झारखंड चले जाते हैं। तो ऐसे में जब बिहार में पर्यटक रुकेंगे नहीं तो राजस्व कैसे बढ़ेगी, इसलिए नीतीश कुमार को शराबबंदी समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। अगर शराबबंदी हट जाती है तो पर्यटन में 10 गुना ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। सुशील मोदी ने सीएम नीतीश से पूछा सवाल। बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछते हुए कहा कि नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के अनुसार डील 2023 में तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनवाने और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय राजनीति में क्या हुआ है, उनके इस डील के पीछे की सच्चाई क्या है। जगदानंद जब कह रहे थे कि बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीज को त्यागना पड़ता है तो इसका मतलब क्या है। मोदी ने पूछा कि ललन सिंह के बारे में नीतीश कुमार की क्या राय है जो उन्हें तानाशाह और न जाने क्या क्या बताकर कांग्रेस में चले गए थे। राजद में जेडीयू का विलय कब होगा और कब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसी साल या 2025 में। पहले नीतीश कुमार को इन बातों की पहेली सुलझानी चाहिए।
रांची में माही साक्षी को देख फैंस हुए भावुक। बीते दिन रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। वहीं इस मैच में खास बात यह रही कि इस मैच को देखने के लिए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी भी स्टेडियम में पहुंची थी, जिसके बाद धोनी को देखकर फैंस ने खूब नारे लगाए, जिसका वीडियो बीसीसीआई के द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है। वहीं धोनी की पत्नी संग फोटोज सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हो रहा है, जिस पर उनके फैंस के द्वारा लगातार कमेंट्स किए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन के मैच में न्यूजीलैंड की ओर से टीम इंडिया को 177 रन का टारगेट दिया गया था, जिसका पीछा करते हुए टीम इंडिया की ओर से 155 रन ही बनाए जा सके। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, कन्हैया कुमार, मृत्युंजय कुमार, नुसरत बनू, दीपू गुप्ता, रवि कुमार राम, कुश कुमार यादव, बाबूलाल मरांडी, शंकर मुखिया, कमलेश शर्मा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रविशंकर, महमूद अंसारी, नुन्नू गोलू कुमार, दीपक कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, शराबबंदी पर जीतन राम मांझी के बयान से आप कितने सहमत हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।